हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, SKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। वैशाली, गोरौल चौक बंद, शराब पीकर युवक ने गोरौल चौक पर मचाया उत्पात। मिली जानकारी के अनुसार रात्रि 8 बजे के लगभग गोरौल चौक पर चार युवक शराब पीकर मारुति कार से आए। एक व्यक्ति से गाड़ी साइड करने के लिए गाली गलौज करने लगा। इसी बीच एक दुकानदार ने हस्तक्षेप करते हुए समझाकर दोनों को हटा दिया, लेकिन नशे में धुत युवकों ने कहा कि इस दुकानदार सुनील सहनी को गोली मार दो, और एक दुकानदार का काउंटर तोड़ दिया गया और मारपीट करने लगा। जायदाद झमेला होता देख लोगों ने मामला शांत करा दिया, परंतु 10 मिनट बाद युवक ने फोन कर अपने परिजनों को बुला लिया। सभी हॉकी डंडे और हथियार से लैस होकर फिर से गोरौल चौक पर दुकानदार के साथ मारपीट करने लगा, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसके विरोध में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान बंद करने का निर्णय लिया है। चौक पर मारपीट करने वाले का नाम गोरौल के चैनपुर निवासी पप्पू सिंह और उनके परिवार के लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस ने पप्पू सिंह सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।